तबियत सही नहीं है ना आज, तुम्हारी तबियत बनाए। चल तो रही नहीं हो, चलो बना दो। अरे हम लोग करने वाले हैं फैमिली के ऊपर। हमारे घर पे आए हैं मेहमान, यानी कि मेरी बड़ी फुफ्फी आई है, उनके ऊपर प्रैंक होने वाला है। उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज मैं प्रैंक करने वाली हूँ, ये है कि मैं ना खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और हम जो हमारी फुफ्फी आई है ना, उनसे कहूँगी तुम बना दो खाना, है ना। हम लोगों ने ये बहुत ही ज़्यादा एक अलग चीज़ है, क्योंकि हमारे घर पर ऐसा होता नहीं कोई भी मेहमान आया हम उससे काम वगैरह कराएं, हम खुद ही कर लेते हैं अपना काम। तो इसलिए ना रिएक्शन एक अलग ही होने वाले हैं, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो हम लोगों ने किया नहीं है। सही पकड़े हैं। तो इसलिए सबके रिएक्शन एक अलग होने वाले हैं। पता ही पर डर लग रहा है। इट्स प्रैंक, और ये प्रैंक के चक्कर में मैं कर रही हूँ सब कुछ। जो एक कैमरा है ना, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सेट कर दिया है। उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, वो दोनों जने फुप्पी और मेरी छोटी वाली फुप्पी है ना, जो मेरी सास है, वो दोनों जने वहाँ हॉल में बैठे हुए हैं, और उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने चुपके से वहाँ पर सेट कर दिया है एक फ़ोन ऑलरेडी, तो अब मैं वहीं पर ही जाऊँगी। तो चलिए हमारे साथ। घर में तो लूल पर चल फिर। अरे वो हवाई तो बढ़िया लगा था। इतना तो बढ़िया कर रहे हैं, हमें नाच चला रहे। आज तो मैं नाच चला कर रहा हूँ, हमें तो चला रहा हूँ। बिचार दिल को जला, जल्दी भजाओ। नहीं बढ़िया लगता है, हमें नाच चला। अब ये तो कभी मैं परेशान हो जाऊँ। इतने बढ़िया लगता है, इतने चटनी मजा आ जाए। हाँ और अच्छी लगती है, खूब खा पकाओ। आज ना तुम खाना बना दो। अच्छा भैया, मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का। बना दी भाई तुम्हारा खाना, खाना दे काय मत बना दी, खाना पूरा बना हो जाए क्या। मेरा मन नहीं कर रहा, तुम बना दो। हां भाई बना दी ना। मेरे को तुम खाना बनाइए, मैं नहीं दिखाऊंगा। ये खाना बनने के लिए आए, पूरा बना खाना दे के बना दो। और मेरा मन नहीं कर रहा है, चीर दो आलू। ना अब ले जाओ बताओ, बना ही खाना। अरे खाना खाने खाना के खुद बनाए तो लगता है आए थे, बना को नहीं खाना। खाना आज का मन नहीं, चलो आज गुलाबका भी नहीं खाने। बाजी हम लोग क्या कहते हैं, आज फुप्पी खाना बनाने जाते बड़े वाली पप्पे थे। हाँ तो बोल रही थे आज बहुत अच्छा आलू बनाई थी। हाँ तुम कई आलू बनाया क्या? कच्चा किसे बनवाए खाना है? मन है खाना बनाए बहुत तेज हो रहे हैं। वो मेरी तबीयत सही नहीं है ना आज। कैसी तुम्हारी तबीयत है? हम तो सब ऐसे फिर रहे हो, तुम मास्क लगा के रहे। खांसी हो रही ना, मैंने तेरा कोरोना चल रहा है। तो क्यों करती हो का? कोरोना चल रहा है ना, तो इसलिए माल तबियत सही नहीं है ना, वो पीस लिया। तबियत नहीं है, चलो भाई क्या फायदा, तुम्हें भी दिक्कत हो है इसलिए। चलो लगाए रखो तुम। हाँ चलो सब्जी बना दे। चल गए तुम कह रही ला बनाए दे बनाए दे, चल तो रही नहीं हो। चलो बनाए दे ना, हमारी बनाने नहीं देते, मजबूर है। अब तबियत सही नहीं है मेरी बुप्पी। हम बनाए दिन है तुम्हारी तबियत सही है। मैं खाना बनाएंगे, खाना क्या आपके खाएंगे? खचड़ी है। हाँ वो भी है क्या? नहीं रोटी का बनाए दे ना, बना दे बुप्पी। अरे हम तो पहले ना बनाए दे जाए, मैं मन से खाना बना दे ना। बना दे भैया ना, बना दो बना दो बुप्पी। अरे हम तो पहले बनाए दे ना, बना बनाए दे। अब खाना बनवा लगी हो। चलो दूसरी
खाना बनाती हूँ। चलो बनाई दी तुम्हारा खाना, चलो 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 बनाई दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो बनाई दी, चल चलो चलो रहने दो रहने दो। मैं मजाक कर रही हूँ, कमाया जाए नहीं नहीं हम बना लेंगे। मैं मजाक कर रही थी, हम लोग प्रैंक कर रहे थे। ये तो बता दो उप्पी, हमारा प्रैंक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा तुम्हारा। हाँ तुम आज सोच रही हो तो हमें खाने बनाने भी लगवा गई। अरे तो क्या हुआ, बनवा ले तो बनवा ले, बाकी ये आओ बुटिया आओ बनवाइयो तो क्या है। चलो ये देखो, ये हमारी टिप्पी बहुत बढ़िया है, दोनों जने इसीलिए सब कुछ कर। तुम सोच रही हो कि मम्मी बनाई दी टुक्का, यही ना फर्क का है। तुम सोच रही हो कि आज पहली बार मेहमानों से काम कैसे कराने? कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये इतनी मेहनत अच्छी लगी होगी। पसीने देखो मेरे, इतनी देर में पसीने छूट गए। लाइक करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तुम भी कह दो जरा लाइक कमेंट तो कर दो, इतना बढ़िया प्रैंक करा मैंने। तुम ध्यान में बोल दो, एक बार बोल दो। चलो तो मैं बोलवा रही हूँ, लाइक करो। क्या एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तुम्हारे लाइक और शेयर ठोक दीजिए। कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी। इनका ज्यादा बहुत आगे इनकी कहानी बढ़ा दो। जल्दी ये पास हो जाए, ठीक है, फिर हम लोगों को अच्छा लगे कि हमारी भतीजी आगे बढ़ गई। अब बाय बाय कर दो। बाय बाय सियामानिल्ला।